गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कल पाठ 10 चिड़ियाघर की सैर पढ़े थे और उसका शब्दार्थ भी लिखे थे। ठीक है, आज हम अभ्यास कार्य और प्रश्न का पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए पेज नंबर 59 पर देखिए, लिखने की बारी। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाया। अभ्यास कार्य एक है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। ठीक है, अब इसके बाद क बच्चों, इसमें हम सीधे आपका जो सही उत्तर है वही बताएंगे, आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। बर्लिन के चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या है, कितनी संख्या है? 4000, 5000, 6000 और 7000। इसमें आपका सही उत्तर है सेकेंड, दूसरा है 5000। आपका सही है। फिर ख है, आज संसार के चिड़ियाघरों की संख्या लगभग है, कितनी है? 700, 800, 900 और 100। आपका सही उत्तर क्या है? 800। इसमें आपका दूसरा सही है 800। फिर
देखने वाले लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन है? देखने वाले लोग। ये शब्द जो है वाक्यांश के लिए, ये तीन वाक्य के लिए आपका एक शब्द है। इसमें से आपका सही क्या है? इसमें आपका सही है कौन है? कौन है आपका सही है? चौथा, दर्शक। दर्शक आपका सही, ठीक है। फिर से है ख, चिड़ियाघर में सींग वाला होता है, एक सींग वाला होता है ख। एक सींग वाला कौन होता है? इसमें भी आपका फोर है। गैना, गैना आपका सही। ठीक, समझिए और लिखिए। इसमें आपका ये देखिए, इधर बॉक्स बना है, इस बॉक्स में है बंदर, वह देखिए बंदर है, बंदरिया। फिर खा में देखिए आपका प्लेस खाली है, इसके बाद लिखा है मोर, इसमें आप क्या लिखेंगे? मोर, तो हो जाएगा मोर का मोरनी। फिर ऊंट है, ऊंट का ऊंटनी, देखिए आपने इसमें लिखा है बॉक्स में। हाथी का हथनी, शेरनी का शेर, आपको इसी तरह से जोड़े बनाना है। फिर अभ्यास कार्य छ, अभ्यास कार्य सिक्स में आप देखिए का के की का उचित प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे। का में, का में आपका क्या है? संसार में चिड़िया घरों की संख्या, इसमें का में आप लिख देंगे की। और ख में सबसे सुंदर चिड़िया घर हैदराबाद का नेहरू चिड़िया घर है, इसमें आप का लिखेंगे, ठीक है। फिर ग, टोक्यो चिड़ियाघर बहुत प्रसिद्ध है, इसमें आप ग में लिखेंगे का। टोक्यो का चिड़ियाघर बहुत प्रसिद्ध है। घ है, आज जंगली जानवरों की कुछ नस्लें समाप्त हो चुकी हैं, घ में आप की लिखेंगे। अभ्यास कार्य छ पेज नंबर 61 का है, ठीक है। इसके बाद बच्चों रचनात्मक अनुवृत्ति में है वर्ग पहेली, इसको आप अपने से खोजेंगे और इसमें सभी जानवरों के नाम आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे। पेज नंबर 62 एक बार देख लीजिए। आपने पढ़ा कि चिड़ियाघर में अनेक जानवर रहते हैं, क्या आप जानते हैं कि चिड़ियाघर के बाहर वे कहाँ रहते हैं? आओ जाने, पक्षी कहाँ रहते हैं चिड़ियाघर के बाहर? घोंसले में। हिरण से सियार कहाँ रहते हैं? जंगल में। अगर वे चिड़ियाघर में नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, उसके बाद वो कहाँ रहते हैं? बंदर पेड़ पर रहता है। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में रहती है। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों, प्रश्न एक है, चिड़ियाघर जाना आपको क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। तो चिड़ियाघर जाना इसलिए अच्छा लगता है कि लगता है क्योंकि वहां अनेक प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं और उनके विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दो है, आपको कौन सा पशु या पक्षी अच्छा लगता है? तो उत्तर आप लिखेंगे, हमें सबसे अच्छा पशु कुत्ता लगता है, ठीक है। प्रश्न तीन है, चिड़ियाघर में देखे गए प्राणियों के नाम तीन वर्गों में लिखिए। पहला वर्ग है जलचर, जो जल में रहते हैं यानी पानी में रहते हैं। थलचर, जो जमीन पर रहते हैं। नभचर, यानी जो आसमान में रहते हैं। तो जलचर में मछली, कछुआ,
मन से जो आपको आए वो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। आपका प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया।